नमस्कार, मैं निकिता वर्मा, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भोले बाबा हाथरस से हादसे के बाद पहली बार सामने आया, कहा उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, पीड़ितों की मदद करेंगे, मुख्य आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। हाथरस हादसे के बाद पहली बार भोले बाबा सामने आए। शनिवार सुबह न्यूज एजेंसी NI ने से कहा, हम 2 जुलाई की भगदड़ की घटना के बाद से बहुत दुखी हैं। हमें और संगत को इस दुखी की घड़ी से उबरने की शक्ति दी। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा रखें, हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। मृतकों के परिजनों और घायलों की मदद हमारी कमेटी करेगी। भोले बाबा का यह बयान हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी और सेवादार देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। शुक्रवार देर रात हादसे सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश ने दिल्ली के एक अस्पताल में पुलिस के सामने सरेंडर किया। इसकी पुष्टि खुद भोले बाबा की वकील AP सिंह ने की। उन्होंने कहा, देव प्रकाश हार्ट का मरीज है, तबीयत ठीक नहीं थी। यूपी पुलिस ने उस समय पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। हाथरस हादसे पर बसपा प्रमुख मायावती का पहला बयान आया है। शनिवार सुबह उन्होंने कहा, भोले बाबा समेत जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में गिरफ्तार राजनीतिक स्वार्थ में ना पड़े। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सदमति और सदबुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।